हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। आप इसको नमकीन चावल भी बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू, मैंने यहाँ पर लिया है, दो प्याज लिया है, दो टमाटर और फूल गोभी के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, और दो हरी मिर्ची ली हैं जो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, और चार मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और मटर लिया है। तो इसको मैंने आलू को भी फाइनली चॉप कर लिया है, और आलू के साथ मैंने प्याज और टमाटर को भी फाइनली चॉप करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल लिया है जिसे मैंने पहले से ही अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसको पानी से धो के इसको अच्छे से वॉश करके मैंने पानी निकाल के छान के रख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया है जिसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए, इसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। यहाँ देखिए, हमारे एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने कुकर को गर्म होने के लिए गैस पे ऑलरेडी रख दिया था, जिसे मेरा कुकर गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है ऑयल, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मेरा तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाला है जीरा, उसके बाद मैंने डाला है हींग, पर मैंने डाल दिया है उसके बाद प्याज, और प्याज को थोड़ा ब्राउनिश होने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर भूनते रहेंगे। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा पेस्ट था उसको हम डाल के भूनेंगे थोड़ी देर, मतलब 2 से 5 मिनट तक इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं, चुटकी भर ही डालेंगे। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि 1/2 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू, जितने भी मेरे पास कटे हुए आलू थे मैंने सभी को ऐड कर लिया है। और इन्हीं सब सबको चलाने के बाद मैंने डाल दिया है गोभी, और सबको हम फ्राई करते रहेंगे। इसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल सकते हैं, आप चाहे तेज या कम उसको कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा इस टाइप से दिख रहा है। इन सभी चीज़ों को हम चलाते रहेंगे। फिर मैंने डाला है जो मेरे पास कटे हुए टमाटर थे, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इन सभी चीज़ों को हम चला लेंगे, और चलाने के बाद देखिए, मैंने लास्ट में डाला है जो मेरे चावल थे उसको भी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इसको चलाने के बाद मेरे पास जो मटर था मैं उसको भी ऐड कर लूँगी। और 1 मिनट तक चलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। मैंने पानी, जैसे मैंने एक कटोरी चावल लिया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है। और देखिए, अब हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद मैंने 2 सीटी लगाई है, और 2 सीटी लगने के बाद हम ढक्कन को मतलब कुकर को छोड़ देंगे उसकी सीटी निकलने तक। यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है, और देखिए मेरा यहाँ पर जो चावल है बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने प्लेट में इनको सर्व कर लिया है। देखने में तो ये ग्रीन है बट खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और
अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।